नमस्कार। अभिनेता अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह CAA और NRC के मुद्दे पर चल रही बहस में अब आमने सामने हो चुके हैं, उलझ चुके हैं। ये बहस का स्तर, बहस का लेवल आप इनके शाब्दिक चयन से लगा सकते हैं। अनुपम खेर के लिए नसीरुद्दीन शाह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो एक जोकर है, उनको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। इस पर अनुपम खेर ने एक वीडियो बनाया और जवाब दे दिया। उन्होंने वीडियो में कहा कि आप वर्षों से जिन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं ये उसी का नतीजा है। अनुपम खेर का इशारा नशा से था। अब इस डिबेट में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल ने भी अनुपम खेर का साथ दिया है और नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने एक के बाद एक धड़ाधड़ ट्वीट किए। ट्वीट में लिखा कि मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, आप एक एहसान फरामोश इंसान हैं। इस देश ने आपको नाम दिया, फेम दिया और पैसा भी दिया, लेकिन आप निराशा से भरपूर रहे। आप अपने धर्म से बाहर जाकर के शादी करते हैं, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। आपके भाई सेना में लेफ्टिनेंट जनरल भी बने, क्या आपको बहुत ज्यादा नहीं मिला? आगे वो लिखते हैं, कहते हैं कि आप फिर भी अभी भी देश के लिए थैंकलेस हैं। किरण खेर दो बार सांसद चुनी गई हैं और अनुपम खुद में एक बहुत बड़े स्टार है। जब आप बोलते हैं तो आप छोटे और तुच्छ लगते हैं। अब इसमें आपकी निराशा साफ तौर पर झलकती है, ये ट्वीट में कहा गया था। देखिए दोस्तों, CAA को लेकर के बॉलीवुड में दो फाड़ साफ तौर पर दिखाई देते हैं। एक CAA को जायज बताता है और दूसरा इसको नाजायज बोलता है। यह लगातार और लंबे वक्त तक चलने वाली डिबेट है, क्योंकि आप सभी को पता है पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर स्टे लगाने से साफ तौर पर मना कर दिया और कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था और कहा कि 5वें हफ्ते बाद अगली सुनवाई की जाएगी। अब सरकार चौथे हफ्ते में जवाब देगी या नहीं भी देगी, उसे सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगेगी, क्योंकि CAA को लेकर के जो पिटीशन फाइल हुई है वो 60 है और NPR के रिलेटेड जो अगेंस्ट है वो 40 पिटीशन फाइल की गई हैं। अब सभी के सवालों के जवाब दे रहे हैं और उम्मीद इसी बात की लगा सकते हैं कि BJP सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांग सकती है। तब तक आप ये विरोध समर्थन वाली बयानबाजी आप देखते रहेंगे। अभिनेता अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह इससे पहले कई मुद्दों पर आमने सामने हो चुके हैं। एक मुद्दा कश्मीरी पंडित के विस्थापन पर भी यही तेवर हमें और आपको देखने को मिले थे। अब अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आवाज उठाई थी और आप सभी को पता है कि अनुपम खेर एक कश्मीरी पंडित है। अब इस पर नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि वो व्यक्ति जो आज तक कश्मीर में नहीं रहा, आज कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ रहा है, अचानक वो एक विस्थापित इंसान बन गया है। नसीरुद्दीन शाह को जवाब देते हुए अनुपम खेर ने भी लिखा कि तब तो इसी लॉजिक से यह भी बनता है कि NRI को भी भारत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो इस बात को मौका लगा तो मैं कोलैब में वीडियो में जिक्र करूंगा और थोड़ी और डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा। अब इस तरह के शाब्दिक चयन विरोध आपको देखने को मिलते रहेंगे जब तक इस CAA का मामला चलता रहेगा। दूसरी खबर है कि केजरीवाल वर्सेस हु, जैसे कि लोकसभा में मोदी वर्सेस हु, 2014 में दिल्ली में BJP ने सभी लोकसभा सीटें जीती थी। उसके बाद 2015 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी, 3 BJP के पास, कांग्रेस क्लीन बोल्ड यानी कि शून्य। उस समय अगर आप केजरीवाल की पॉलिटिक्स को ध्यान से देखेंगे आपको एक समझ में आ जाएगा। पिछले सालों एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है और कामयाबी की सीढ़ी भी तैयार कर रहा है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कैसे देखिए, 2016 से आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल मोदी जी को तिहाड़ में ला करके खड़ा कर देते थे, मतलब बीच में ला के खड़ा करते थे और मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये क्या मतलब है, हम धरना करेंगे, ये सब चीजों को लेकर के वो लाइमलाइट में रहा करते थे। पिछले लोकसभा चुनाव में इसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया कि हुआ क्या पॉलिटिक्स का। लोकसभा चुनाव में अपनी इमेज ब्रांडिंग पर हजारों करोड़ों खर्च करने वाले हमारे फकीर मोदी जी और आम आदमी की तरह हवाई चप्पल पहनने वाले अरविंद केजरीवाल का चुनाव हो गया, यानी कि मोदी वर्सेस केजरीवाल। अब इसका जो नुकसान केजरीवाल को तो होना ही हो रहा था, उसके जो जितने भी उम्मीदवार थे उन सब की जो जमानत थी वो जब्त हो गई। जमानत जब्त होगी तो अरविंद केजरीवाल को नुकसान हुआ।
करारी हार मिली। अब इस हार की वजह केजरीवाल को समझ में आ गई। अब जो राजनीति करने का तरीका है वो आरोप प्रत्यारोप से हटकर के श्रेय देना वाला भी हो गया है। और पिछले एक साल से अरविंद केजरीवाल सरकार अपने काम पर वोट मांग रही है, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, इस पे वोट दो, अच्छी शिक्षा है, सस्ती बिजली है, इसके नाम पर वोट दो, अच्छी सड़कें हैं, इसके नाम पे वोट दो, इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। तो इस पॉलिटिक्स को हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत कह सकते हैं और अच्छा भी है। अब बीजेपी की हालत यह है कि वो अभी तक अपना नेता फाइनलाइज नहीं कर पाई। बीजेपी का मुद्दा इस समय नागरिकता संशोधन कानून है, राम मंदिर है और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के फिर से मैदान में है बीजेपी। कांग्रेस कमबैक करना चाहती है लेकिन उसको अभी भी पता है, कड़वी सच्चाई है और यही है कि उसका जो पुराना वोट बैंक है आज भी केजरीवाल सरकार का वोट बैंक है। वहां से उनको शिफ्ट करना, वहां से उनको अपनी तरफ लुभाने के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरकार बनने के बाद सभी बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन जो राशि है उसको बढ़ा करके 5,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। अब आप ही बताइए कि अब की बार किसकी सरकार, कमेंट सेक्शन में। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है, न्यूज आ चुकी है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की जो जो रैंक है वो 10 पायदान नीचे आ गई है। देखिए बेसिक को समझिए कि ये है क्या। ब्रिटिश की संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की कंपनी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU इंडेक्स निकालती है। ये 167 देशों में लोकतंत्र की पोजीशन को देखने के इरादे से निकाला जाता है और इसी से बहुत सारे अंदाजे लग जाते हैं। अब इस इंडेक्स में 2019 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का 51वां पोजीशन रही, स्थान रहा। इस तरह से भारत बीते साल 10 पायदान नीचे आ गया। 2018 में भारत के जो अंक थे 7.23 थे, जो घटकर के 6.90 रह गए और इसी को डेमोक्रेसी इंडेक्स कहा जाता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 60 सवाल जवाब के आधार पर तैयार होता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में नागरिकों की आजादी की स्थिति एक साल में कम हुई है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में यह गिरावट देश में नागरिक स्वतंत्रता के ह्रास के कारण आई है। सूची में चाइना 153वें स्थान पर है और नॉर्वे टॉप पर है, उत्तर कोरिया सबसे ही नीचे है। तो बेसिक्स यही है और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल इसको कर दीजिए शेयर, सवालों के जवाब दीजिए। नमस्कार करने से पहले सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल की मेंबरशिप लीजिए, मेरे से बातचीत करिए, मुझे सुझाव दीजिए मुझे क्या करना चाहिए नहीं है और बड़े बड़े लोगों से मिलकर आखिर और जो मुद्दे हैं उनको सरल भाषा में समझूं और आपको समझा सकूं, इसके लिए मुझे प्रेरित आप कर सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट करके। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा और सवालों के जवाब दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए। चलिए मिलेंगे अपने अगली वीडियो में।